crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. जरा देखो, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? क्या सब लोग मेरे को देख पा रहे हैं और क्या सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, मॉड्यूल 9 के बाद से नोट्स नहीं मिला है। ठीक है, कल आपके लिए नोट्स अरेंज करा देते हैं। बोले कल आपके लिए नोट्स अरेंज करा देते हैं। ठीक है, मॉड्यूल 9 के बाद जितना भी नोट्स बचा हुआ है पूरा नोट्स अरेंज करा देंगे। बस कोई मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि किस किस टॉपिक के बाद से आपको नहीं मिला, किस टॉपिक के बाद से नहीं मिला है, उस टॉपिक के बाद से आपके लिए नोट्स अरेंज करा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी बातों को। तो सब लोग रेडी हैं? जरा एक बार बताइए, एक बार शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप्स में। मैंने बोला एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे सारे ग्रुप्स में। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? कम ऑन, जल्दी से बताइए। हाइड्रोलॉजी कब से स्टार्ट होगा? हाइड्रोलॉजी 14 से स्टार्ट होगा बेटा, हाइड्रोलॉजी 14 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोलॉजी देखेंगे हम लोग वो 14 से देखेंगे। ठीक है, एक बार सब लोग जल्दी से शेयर कर देंगे। कल हम लोग मॉर्निंग 10 बजे क्लास रखें, 10 बजे क्लास रखें, इन्वायरमेंट का ही 10 बजे क्लास रखे, सो दैट जो भी हम लोगों का मतलब, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे चल रहे थे ना अभी अपने टाइम से, तो हम लोग टॉपिक्स को कवर कर सके, बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर कर सके, इसलिए हम लोगों ने जो टाइम रखा है कल मॉर्निंग 10 बजे रखा है क्लास का टाइम। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी बातों को। तो मैंने बोला फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज प्रतीक मिश्रा। आप लोग मेरे बारे में जानते ही होंगे। दिस इज माई टीचिंग एक्सपीरियंस एंड दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव मेंटोर्ड टिल नाउ। मैंने बोला अगर यहाँ पे बात करोगे तो दीज आर फ्यू ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, जैसे कि आपको ट्रांसपोर्टेशन दिख रहा है, सर्वेइंग दिख रहा है, इन्वायरमेंट दिख रहा है, हाइड्रोलॉजी दिख रहा है, इरीगेशन दिख रहा है, तो दीज आर फ्यू ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। मैंने बोला अगर यहाँ पे बात करूंगा तो ये दिख रहा है आपको प्रतीक 101। मैंने बोला ये कोड नहीं है एक्जैक्टली, इट इज अ बॉन्ड विच इज कनेक्टिंग यू एंड मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो ये हुई बात। मैंने बोला ये देखिए जरा यहाँ से, इससे आपको क्या मिलता है, 10% ऑफ मिलता है। लेकिन बेटा ये गेम 10% का है ही नहीं, जो गेम है हमारा वो है हमारा कि सर किसके गाइडेंस में हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा गेम उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आया।
ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आया। मैंने बोला इसके अलावा और बात करता हूँ मैं आपसे, मैंने इसके अलावा और बात करता हूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला ये देखिए दो पेड कोर्सेज जो आपके लिए अवेलेबल है, वन इज इन द फॉर्म ऑफ प्लस एंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ आइकॉनिक। तो मैंने बोला प्लस में आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, क्रैश कोर्सेस मिलेंगे, वीकली टेस्ट देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको मिलती है। मैंने अगर मैं आइकॉनिक में बात करता हूँ तो जो जो चीजें आपको प्लस में मिल रही थी वो तो मिलेगी, साथ में आपको पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी प्लानर सेशंस मिलेगा, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, मैंने बोला देखिए दिस इज द बैच, 9 जून से ये बैच स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए, है ना, आपको गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द गाइडेड स्टडी बिकॉज दैट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो यही रीजन है कि टाइम को आपको ज्यादा से ज्यादा सेव करके कम समय में ज्यादा पढ़ लेना है और उसको यूटिलाइज करना है आपके आपके ड्रीम्स के लिए। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई। मैंने अगर यहाँ पे फीस की बात करूंगा तो देखिए जरा यहाँ पे फीस को 12 मंथ के लिए जो फीस है इट इज ऑफ 27,225, 18 मंथ के लिए जो फीस है इट इज ऑफ 34,650 और 24 मंथ के लिए जो फीस है इट इज ऑफ 39,600। ठीक है सर, मैं और बात करते हैं अगर तो देखिए जरा यहाँ पे और बात करते हैं तो मैंने बोला अगर आइकॉनिक की बात करूंगा तो 12 मंथ के लिए जो फीस है इट इज ऑफ 45,225 एंड 24 मंथ के लिए इट इज ऑफ 66,600। मतलब आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो पेड स्टडी को या पेड कोर्स को तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आपको कॉम्बैट देना चाहिए। 13 जून मतलब इसी संडे को वापस से ये कॉम्बैट सुबह 11 बजे का होगा ये कॉम्बैट। तो व्हाट यू जस्ट नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू एनरोल योर सेल्फ, यू जस्ट नीड टू एनरोल योर सेल्फ यूजिंग द कोड, एक सेकेंड दीजिए, यू जस्ट नीड टू एनरोल योर सेल्फ यूजिंग द कोड प्रतीक 101। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने आप को एनरोल करना है यूजिंग द कोड प्रतीक 101 सो दैट यू विल गिव द टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बस ये बात याद रखना कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ग्रैब इट, दिस इज द अपॉर्चुनिटी आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए। ठीक है, मतलब ये हुई बात, और बात करते हैं आगे तो देखिए जरा यहाँ पे तो ठीक है, बस इसके आगे नहीं बताऊंगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो अब जो हम बात करने वाले हैं, मैंने बोला हमारा डैम फिनिश हो चुका था, अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्पिल वे के बारे में। मतलब अब जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, स्पिल वे के बारे में। नाउ सर व्हाट इज दिस स्पिल वे और स्पिल वे को हम कैसे देखते होंगे, तो मैंने बोला अगर स्पिल वे की बात करूं तो व्हाई दिस स्पिल वे इज यूज्ड और हम स्पिल वे को कैसे देखते हैं। तो मैंने बोला देखो ये मैंने आपको एक इमेज दिखाया है, ये इमेज में आपको एक बेसिक जनरल स्पिल वे दिख रहा है। ठीक है, ये आपको एक बेसिक जनरल स्पिल वे दिख रहा है, मैं अभी नाम नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि नाम बताना इसका सबसे आसान है, बट सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सर स्पिल वे का मतलब क्या होता है और स्पिलवे को कहां पे यूज करते हैं, स्पिलवे का मीनिंग क्या है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्पिलवे। मैंने बोला तो अगर कोई आपसे स्पिलवे की डेफिनेशन पूछना चाहेगा, मैंने बोला अगर आपसे कोई भी स्पिलवे की डेफिनेशन पूछना चाहेगा तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि स्पिलवे को आप बोल रहे होगे जो भी आपका एक्सेस ऑफ वाटर रहता है उसको रिलीज करने के लिए जो आप अरेंजमेंट्स करते हो उनको बोलते हैं स्पिलवे। ठीक है, द अरेंजमेंट्स दैट आर परफॉर्म टू रिमूव और टू डिस्चार्ज एक्सेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज स्पिलवे। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आया। मैंने अब अगर आपको ये बात समझा, हाइड्रोलॉजी का टाइम क्या रहेगा क्लास का, हाइड्रोलॉजी का टाइम रहेगा, हाँ सैटरडे संडे क्लास रहेगी, कल सुबह आपकी क्लास फिर से रहेगी, कल सुबह 10 बजे हम लोग क्लास देखेंगे इरिगेशन को फिनिश करने के लिए। ठीक है, तो कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी। ठीक है, तो डोंट वरी, कल जो आपकी क्लास का टाइम रहेगा पहले 10 से 12 लेंगे, फिर 3 बजे लेंगे और फिर परसों भी हम लोग 3 बजे लेंगे, तो उसमें आपका फिनिश कर दूंगा। मंडे से आपके साथ हाइड्रोलॉजी स्टार्ट करूंगा, मंडे जो आपका टाइम जो इरिगेशन का टाइम है वही रहेगा, 3 बजे ही रहेगा आपका टाइम। ठीक है, 3 बजे आपका टाइम रहेगा क्लास का, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, यही सेम स्केड्यूल को फॉलो करना है, ये सेम स्केड्यूल को फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए आइए, मैं स्पिलवे की बात कर रहा था, तो मैंने बोला क्या बोल रहे हो आप, स्पिलवे क्या होता है, तो मैंने बोला द अरेंजमेंट टू रिलीज एक्सेस वाटर इज कॉल्ड एज स्पिलवे। सर मैं समझा नहीं सर, स्पिलवे को आप कैसे एक्सप्रेस करते होंगे, तो मैंने बोला ये देखो जरा यहाँ पे, मैंने ये डैम दिख रहा है आपको, ये डैम दिख रहा है, इस डैम में ये जो गेट्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर दी स्पिलवे, ये जो आपने पाथ प्रोवाइड किया है, ये जो आपने पाथ प्रोवाइड किया है, जो भी एक्सेस वाटर यहाँ पे आ जाएगा, है ना, जो भी एक्सेस वाटर यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल पूल लेवल के बाद जो भी आपको वाटर दिखता है उसको रिलीज करने के लिए आपने कुछ पाथ प्रोवाइड किया, उसको स्पिलवे बोला। सर ये स्पिलवे कहाँ कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मैंने बोला इस स्पिलवे को प्रोवाइड करने के 3 तरीके हैं, या तो आप विद इन द डैम प्रोवाइड कर दो, ये देखो जो स्पिलवे आपको दिख रहा है ये डैम पे ही प्रोवाइड कर रखा है, विद इन द डैम आपने प्रोवाइड कर दिया। समटाइम दिस स्पिलवे आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द डैम, एक कॉर्नर पे आप प्रोवाइड कर देते हो, एंड समटाइम्स इट इज प्रोवाइडेड फार अवे फ्रॉम द डैम। 3 चीजें बताई मैंने आपको स्पिलवे के बारे में।
मैंने बोला कि स्पिलवे कहां कहां प्रोवाइड करते हैं, तो आपने बोला विद इन द डैम प्रोवाइड करते हैं, एट द एंड ऑफ द डैम प्रोवाइड करते हैं और फार अवे फ्रॉम द डैम प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीन तरीके से आप स्पिलवे को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। बट सर इरिगेशन तो कंप्लीट नहीं हुई है। बेटा इरिगेशन कंप्लीट करेंगे, कल सुबह 10 बजे क्यों क्लास ले रहे हैं, कल सुबह 10 बजे क्यों क्लास ले रहे हैं पंकज? हाँ क्यों ले रहे हैं कल सुबह 10 बजे क्लास, इसीलिए ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे स्पिलवे की बात हुई आपसे, मैंने बोला आपको स्पिलवे के बारे में मैंने तीन बात बताई। मैंने बोला क्या कि विद इन द डैम आप प्रोवाइड कर रहे हो, एट द कॉर्नर ऑफ द डैम, जब कॉर्नर डैम के कॉर्नर पे आप प्रोवाइड करोगे और ये पूरा अरेंजमेंट नहीं प्रोवाइड करोगे, और अवे फ्रॉम द डैम, डैम से थोड़ी दूरी पे आप स्पिलवे को प्रोवाइड कर सकते हो। इन तीन तरीके से आप स्पिलवे को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है सर, ठीक है। 10 से 2 होगी, फिर 3 बजे होगी, ठीक है जी। मैंने बोला ये हुई बात स्पिलवे के बारे में। मैंने बोला आप टाइप ऑफ स्पिलवे के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ, मतलब अब मैं बात करता हूँ आपसे टाइप ऑफ स्पिलवे के बारे में। तो ये है आपका फर्स्ट टाइप ऑफ स्पिलवे, जो आपको इमेज दिख रहा है ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ स्पिलवे है। इसको बोलते हैं फ्री ओवरफॉल स्पिलवे, मतलब इसको बोलते हैं, ध्यान से सुनो, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग फ्री, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री ओवरफॉल स्पिलवे। क्या बोला मैंने आपको, इसको बोलते हैं आप फ्री ओवरफॉल स्पिलवे। अब देखना जरा यहाँ पे फ्री ओवरफॉल स्पिलवे बना दिया मैंने आपके लिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको जनरली आप कैसे देखते हो। मैंने बोला इसको देखते हैं, इसको जनरली हम लोग कैसे देखते हैं। हाँ वहां तक सब हो जाएगा, क्यों नहीं होगा बेटा, मेरे को तो पता है ना कहां पे क्या क्या चीजें कहां तक है करना है। हाँ जो मैंने आपको लिखवाया था वो ऑब्वियसली पूरा होगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए ये बात कर रहे थे, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे अब जो हम बात करने वाले हैं वो फ्री ओवरफॉल स्पिलवे के बारे में बात करने वाले हैं। तो मतलब ये जो फ्री ओवरफॉल स्पिलवे बोलते हो आपको, ये बहुत ही बेसिक अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, और ये जो अरेंजमेंट देखने को मिलेगा जनरली स्मॉल हाइटेड रिजर्वायर्स के लिए देखने को मिलता है, जिसको आप बोलते हो वियर। जैसे आप बोला वियर की बात कर रहे हैं, अब हम वियर और बराज की बात करते हैं, तो मैंने ना देखो जरा यहाँ पे वियर में क्या होता है कि आपने इसको वाटर को एक स्पेसिफिक हाइट तक रोक दिया, आपने इस वाटर को एक स्पेसिफिक हाइट तक रोक दिया, ठीक है सर। मैंने उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी अगर वाटर इंक्रीज होते रहा, उसके बाद भी अगर आपका वाटर इंक्रीज होते रहा, तो मैंने बोला ये क्या करेगा, ये यहां से आके डायरेक्टली यहां पे फॉल होगा, ये यहां से आके डायरेक्टली यहां पे फॉल होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है किसके बारे में, फ्री ओवरफॉल स्पिलवे के बारे में, कि हाइट ऑफ दिस रिटेनिंग स्ट्रक्चर इज लेस, ठीक है। तो आप जो हाइट कंसिडर करोगे इस रिटेनिंग स्ट्रक्चर की, वो कम कंसिडर करोगे, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में आया, मैंने अगर ये बात समझ में आया तो मेरे को ये बताओ कि ये जो पानी यहां से गिर रहा होगा, ये जो जेट यहां से गिर रहा होगा, इसकी वजह से सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा? बोला हाँ सर देखने को मिलेगा। तो इस सॉइल इरोजन को अवॉइड करने के लिए फॉर द केस ऑफ फ्री स्पिलवे व्हाट यू विल डू, यू विल पुट सम, या तो आप हाइड्रोलिक जंप कराओगे यहां पे, या ये आप यहां पे कुछ एनर्जी डिसिपेटर, मैंने बोला या तो आप यहां पे एपरन बनाओगे। अब समझना यहां पे क्या बना रहे हैं हम लोग, एपरन बना रहे हैं। एपरन को तो बहुत डेप्थ में देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी यहां समझ लो एपरन का मतलब सिर्फ यहां पे इतना समझ लो कि आपने क्या किया है, यहां पे कॉन्क्रीट का बेस बना दिया है, कॉन्क्रीट का बेस बना दिया है to avoid this soil erosion. क्या ये बात समझ में आई? तो मैंने क्या किया कि for the case of free overfall spillway, height of this structure, retaining structure is very less, and the jet that is falling from this structure will do soil erosion, so we'll provide some apron over here to avoid this soil erosion. ठीक है सर, ये बात भी हमारे समझ में आ गई, ठीक है, ये बात भी हमारे समझ में आ गई, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। मैंने बोला चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैंने बोला ये तो हुई बात किसके बारे में, फ्री ओवरफॉल स्पिलवे के बारे में बात हुई। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, ये था आपका फ्री ओवरफॉल स्पिलवे। सेकंड टाइप ऑफ स्पिलवे दिखा रहा हूं मैं आपको, जिसको आप बोलते हो ऑगी स्पिलवे, बोलते हो, या कोई बोलता है ऑगी, कोई बोलता है ऑजी। तो ये देख लो जरा यहाँ पे, इसको बोलते हैं आप ऑगी स्पिलवे, ठीक है सर, ऑगी स्पिलवे बोल रहे हैं। अब ये ऑगी स्पिलवे क्यों यूज कर रहे थे, तो मैंने बोला फर्स्ट बात ये कि दिस ऑगी स्पिलवे इज द स्पिलवे प्रोवाइडेड विद इन द डैम, डैम के अंदर ही आप दे रहे हैं इसको, स्पिलवे दे रहे हैं आप डैम के अंदर ही। ये जो पाथ आपको दिख रहा है, ये जो पाथ आपको दिख रहा है, दिस इज योर स्पिलवे,
ठीक है, दिस इज योर स्पिलवे, जो ये डैम का गेट ओपन है, अभी डैम का गेट जैसे ही ओपन करोगे तो ये जो पाथ आपको दिख रहा है इसको बोल रहे हैं हम लोग स्पिलवे। तो आपने क्या किया, व्हाई यू आर यूजिंग दिस स्पिलवे, कोई पूछा एडवांटेजेस ऑफ स्पिलवे, तो मैंने बोला बेटा एडवांटेजेस की बात ये है कि व्हेनेवर योर वाटर लेवल राइज इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन टू सो फॉर द सेफ्टी कंसर्न ऑफ योर डैम यू नीड टू डिस्चार्ज सम वाटर टू द डाउनस्ट्रीम साइड, सो यू जस्ट नीड सम मीडियम टू डिस्चार्ज दिस वाटर, तो द मीडियम इज स्पिलवे, द स्पिलवे विल हेल्प यू टू डिस्चार्ज द वाटर टुवर्ड्स द डाउनवर्ड स्ट्रीम। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पे डाउनस्ट्रीम में क्या प्रोवाइड कर रहे होगे, वाटर डिस्चार्ज कर रहे होगे। ठीक है सर, सर ऑगी स्पिलवे क्यों प्रोवाइड किया जाता है, मैंने बोला यार देखो ऑगी स्पिलवे इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, मतलब ऑगी स्पिलवे इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि अब देखो आप जहां पे आपका, अगर मैं फ्री फॉल स्पिलवे की बात कर रहा था तो डायरेक्टली क्या हो रहा था, सॉइल इरोजन, सो दिस टाइम यू मेड अ शेप जिसके कारण क्या हो, एनर्जी डिसिपेशन ढंग से हो, एनर्जी डिसिपेशन ढंग से हो, इसका मतलब यहाँ पे सॉइल इरोजन ना हो, और सॉइल इरोजन नहीं होगी तो आपके डैम की स्टेबिलिटी ज्यादा दिन तक बनी रहेगी कंपैरेटिव टू फ्री फॉल स्पिलवे। तो इसीलिए हम लोग जो फ्री फॉल स्पिलवे है वो लो हाइटेड डैम के लिए यूज कर रहे थे, एंड दिस ऑगी स्पिलवे कैन बी यूज फॉर एनी ऑफ द डैम। ठीक है, किसी भी डैम के लिए आप जनरली यूज कर सकते हो, बट अगर इसके लिए जनरली बात करी जाती है ऑगी स्पिलवे कहाँ यूज करते हैं, तो मैंने बोला जनरली जो ये ऑगी स्पिलवे यूज किया जाता है, मैंने सारे टाइप के डैम के लिए यूज किया जाता है, मेनली फॉर ग्रेविटी डैम, है ना, मेनली फॉर ग्रेविटी डैम इसको जनरली यूज किया जाता है, ग्रेविटी डैम बोल दो, कुछ लोग इसको कॉन्क्रीट डैम भी बोलते हैं, तो कॉन्क्रीट डैम बोल दो, तो इनके लिए यूज किया जाता है जनरली, जो आपका स्पिलवे होता है ये ऑगी स्पिलवे होता है, जनरली इसके लिए यूज किया जाता है। सर अगर मेरे को डिस्चार्ज फ्रॉम ऑगी स्पिलवे निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैंने डिस्चार्ज फ्रॉम ऑगी स्पिलवे का जो फॉर्मूला बोलता है वो बोलता है सी मल्टीप्लाइड बाय एल ई मल्टीप्लाइड बाय एच टू द पावर 3/2, याद रखना इस फॉर्मूले को, बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे ऑगी स्पिलवे के लिए अगर आपसे कोई डिस्चार्ज की बात करेगा तो दैट इज सी मल्टीप्लाइड बाय एल ई मल्टीप्लाइड बाय एच टू द पावर 3/2, सी इज द कोफिशियंट डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल दैट यू आर यूजिंग फॉर द, C is the coefficient that material you are using for the construction of your ऑगी spillway. LE is the effective length. LE is the effective length जो आप यहाँ से यहाँ तक बना रहे होंगे, उस effective length की बात करी, और H जो आपका बात करेगा वो head of water की बात करेगा, ठीक है, water head की बात करेगा या discharge head की बात करेगा कि आपको पीछे जो upstream में water कितना height तक दिख रहा है, ठीक है, bottom से कितना height तक दिख रहा है उस head की बात करेगा। तो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द ऑगी स्पिलवे डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑगी स्पिलवे। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आए बेटा, क्या इंपॉर्टेंट है शशांक शेखर तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा कम लगे या आपने एक डैम बनाया और कल ब्रेक हो गया या आगे जाके ब्रेक हो गया, सेफ्टी इंपॉर्टेंट और मनी इंपॉर्टेंट, सेफ्टी प्लस मनी इंपॉर्टेंट, और सेफ्टी इज इन ऑगी स्पिलवे, तो ऑब्वियसली वी विल प्रेफर ऑगी स्पिलवे देन स्ट्रेट फॉल स्पिलवे। समझ में आया, इसका नोट्स कैसे बनाएंगे, इसका नोट्स नहीं बनाना है आपको, आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी इसका सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो आप नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैंने बोला आपने ऑगी स्पिलवे देख लिया, तो मैं नेक्स्ट आपसे बात करने वाला हूं ऑगी स्पिलवे के बाद, मैं नेक्स्ट आपसे बात करने वाला हूं, इसको बोलते हैं शाफ्ट स्पिलवे। देखो जरा ध्यान से, इसको बोलते हैं शाफ्ट स्पिलवे। ये लोगों को समझ में नहीं आता है कैसा होता है ये शाफ्ट स्पिलवे, तो मैं आपको दिखाता हूं ये शाफ्ट स्पिलवे कैसे वर्क करता होगा। ध्यान से देखो, इसको बोल रहे हैं हम लोग शाफ्ट स्पिलवे। अब स्पिलवे का मोटिव तो आप जानते हो क्या होता है, तो आपने बोला कि हाँ सर स्पिलवे का मोटिव होता है जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, जो भी वाटर हमारे हाई फ्लड लेवल पे आ जा रहा है उसको रिमूव कर दे, हम लोग कहां से नॉर्मल पूल लेवल के ऊपर जितना भी पानी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम रिलीज कर दे कहां पे, हमारे डैम के डाउन स्ट्रीम साइड में। यस सर, ये बात तो समझ में आ रही है, मतलब अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं शाफ्ट स्पिलवे। शाफ्ट स्पिलवे, इसको ग्लोरी होल भी बोलते हैं, ग्लोरी होल भी बोलते हैं, कुछ लोग अगर आपको बहुत ज्यादा हीरो कोई मिलेगा तो वो इसको ग्लोरी होल बोल रहा होगा। ठीक है, तो ये ग्लोरी होल है, ये क्या दिखेगा आपको, ये आपको ऐसे ही कुछ दिखेगा जैसे कि, कैसे दिखेगा, मैंने बोला ये जैसे ही पानी ऊपर बढ़ेगा तो जैसे आपका वॉश बेसिन देखे हो, जैसे ही आप पानी नल खोलते हो पानी बढ़ गया उस लेवल से, और पानी बढ़ गया तो पानी कैसा गोल होकर अंदर चले जाता है, वैसे ही इसमें पानी बढ़ने से पानी इसके अंदर चले जाता है। तो सर इसके अंदर जाके पानी कहाँ जाता होगा,
मैंने बोला ये वर्टिकल शाफ्ट डली हुई है आपके बॉटम तक, एक जगह तक, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल शाफ्ट है इसको मैं दिखाता हूँ, ये आपको कैसी दिख रही होगी। मैंने ये देखो जरा यहाँ पे, ये ऐसी दिख रही होगी आपको, वर्टिकल शाफ्ट आपको ऐसी दिख रही होगी। मैंने ये वर्टिकल शाफ्ट है जिसमें पानी आ रहा होगा, जिसमें पानी आ रहा होगा, और ये वर्टिकल शाफ्ट ऐसी नीचे तक गई होगी, ऐसी नीचे तक गई होगी, ये वर्टिकल शाफ्ट ऐसी नीचे तक गई होगी। मैंने ये जो वर्टिकल शाफ्ट है ऐसी नीचे तक गई होगी। उसके बाद नाउ इट इज कनेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल ड्रेन्स। इसके बाद यहां से वाटर जो कनेक्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल ड्रेन से कनेक्ट होता है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल ड्रेन्स है, ऊपर से पानी आया, अब ये हॉरिजॉन्टल ड्रेन्स है, ये हॉरिजॉन्टल ड्रेन्स या तो डैम की बॉडी के अंदर से पास हो रही होंगी डाउनस्ट्रीम पे पानी फेंकने के लिए। अगर आपने कुछ इमेजेस देखे होंगे, अगर आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, तो आपको समझ में आएगा। कई बार आपने देखा होगा एक गोला बना रहता है, उसमें से पानी आता रहता है डैम के अंदर, डैम में एक होल बना रहता है, ऐसा आपको देखने को मिला होगा। आप देखोगे तो ऐसा होल बना होगा पूरी डैम बॉडी में, और इसमें से पानी बहुत तेजी से निकल रहा होगा, तो ये होल में कहां से पानी आ गया बेटा? ये होल में शाफ्ट स्पिलवे से पानी आया है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर था वो यहां से रिलीज कर रहे होंगे। ये हॉरिजॉन्टल व्यू है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये हॉरिजॉन्टल व्यू है, ये आप सामने से देख रहे हो, इसमें से पानी आ रहा है आपके सामने, इसमें से पानी आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन डली हुई है, ये या तो डैम के अंदर से जारी होगी, या फाउंडेशन ऑफ डैम के नीचे से आके कहां पे पानी दे रही होगी, डाउनस्ट्रीम में पानी दे रही होगी, ठीक है। तो दो तरीके से आप इस शाफ्ट स्पिलवे को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलिए यस और नो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये शाफ्ट स्पिलवे समझ में आया? नहीं समझ में आता है एक बार में इसलिए बता रहा हूं बोला करके। क्या ये बात समझ में आई है? व्हाट इज शाफ्ट स्पिलवे, कैसे प्रोवाइड कराओगे आपने? क्या ये बात समझ में आई है? जल्दी बोलेंगे यस और नो। जल्दी बोलिए, यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आई है तो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पिलवे की बात करते हैं। मेरा नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पिलवे की बात करते हैं। ये सर डैम की फाउंडेशन को अफेक्ट नहीं करेगा बेटा? ऑब्वियसली करेगा, लेकिन हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन किया होगा, तो हम लोगों ने शाफ्ट स्पिलवे जब वहां से डाला होगा, तो ऑब्वियसली फिर हमने जो अपने कैलकुलेशन किए होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग किए होंगे ना, कि पहले डैम बना दिया, बाद में शाफ्ट डाल रहे खोद खोद के, तो ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा। बट पहले से ही प्लांड अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो हाउ डिड इट अफेक्ट द फाउंडेशन, ठीक है? तो ऑब्वियसली ठीक, ये हुई बात। मैंने बोला चलिए आइए और बात करते हैं, तो ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं शूट स्पिलवे। मैंने इसको बोलते हैं आप शूट स्पिलवे, ठीक है, इसको बोलते हैं आप शूट स्पिलवे, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं आप शूट स्पिलवे, ठीक है भाई, शूट स्पिलवे बोल रहे हैं इसको। मैंने इसको शूट स्पिलवे बोल रहे हैं। अब देखो जरा यहां पे, आप देख रहे हो कहीं पे भी डैम नहीं दिख रहा है आपको, तो क्या है सर? मैंने इसी को शूट स्पिलवे बोलते हो, इसी को ट्रफ स्पिलवे भी बोलते हो आप, ठीक है, इसी को आप एनर्जी डेसिपेशन। बेटा पहले ना मैं जो बता रहा हूं वो समझो, पहले टाइप ऑफ स्पिलवे समझेंगे, जब स्पिलवे से पानी निकलेगा तो उसको कैसे एनर्जी डिसिपेट करना है वो समझेंगे। कि मैं पहली बार में आपको स्पिलवे ना बता के पहले ये बता दूं कि एनर्जी डिसिपेट हो रही, किसकी हो रही है पता नहीं, कहां से पानी आया पता नहीं, क्यों आया पता नहीं, फिर क्या करेंगे फिर पता नहीं, ठीक है। तो इस चीज को समझो कि जो ऑर्डर मैं बता रहा हूं, बहुत सोच समझ के बताता हूँ ऑर्डर, ठीक है। तो आगे की बात अभी बता दूंगा, तो फिर आगे क्या बताऊंगा, ठीक है, ठीक। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं। मैंने इसी को आप बोलते हो शूट स्पिलवे, इसी को आप बोलते हो ट्रफ स्पिलवे, इसी को बोलते हो आप ट्रफ स्पिलवे, ठीक है सर, इसी को ट्रफ स्पिलवे बोलते हो। और बात कर लेते हैं, इसको ट्रफ स्पिलवे बोलते हैं, इसी को कई बार हम लोग चैनल स्पिलवे भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को ओपन चैनल स्पिलवे भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हो ओपन चैनल स्पिलवे भी बोलते हैं। मैंने बोला इसी को क्या बोलोगे आप? ओपन चैनल स्पिलवे, इसी को हम बोलते हो ओपन चैनल स्पिलवे, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में आया। तो मैंने बोला ये तीन नाम दिए जाते हैं। अब देखो जरा, अगर आपसे शूट स्पिलवे के बारे में बात हो रही है, तो याद रखो कि दिस शूट स्पिलवे इज परपेंडिकुलर टू वियर। पहली बात, मैंने यही तो सेम बात हो रही थी। तो आप बोलोगे ये जो शूट स्पिलवे होता है, दिस शूट स्पिलवे इज परपेंडिकुलर टू वियर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वियर।
जो भी आपका वियर है, जहां पे वियर और बैराज जिसको बोलते हो, यह परपेंडिकुलर टू डैम, ठीक है? आपको परपेंडिकुलर टू डैम आपको ये शूट स्पिलवे देखने को मिलेगा। दिस शूट स्पिलवे इज जनरली कंस्ट्रक्टेड अवे फ्रॉम द डैम, डैम से दूर। तो मैंने बोला यार देखो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर अभी तक इतने जो आपने बताए थे सबको डैम पे बनाया था और वहां से पानी रिलीज कर रहे थे, और ऑब्वियसली सर कि आपने तो मेरी डेफिनेशन को एक्सप्रेस ही ऐसे किया है कि स्पिलवे इज एन अरेंजमेंट टू डिस्चार्ज द एक्स्ट्रा वाटर, टू डिस्चार्ज द सरप्लस वाटर, तो सर इसको फिर अलग जगह बनाने का रीजन क्या है? मैंने बोला देखो अब बताते हैं इसको अलग क्यों बना रहे हैं। तो मैंने बोला इसको अलग इसलिए बना रहे हैं, ध्यान से देखते जाना, मैंने इसको अलग इसलिए बना रहे हैं, ध्यान से देखना इसको अलग क्यों बना रहे हैं। मैंने ये रहा आपका, देखो जरा मैं आपको बताता हूं, मैंने बोला ये देखो, मैंने ये कोई भी आपकी वैली है, ये देखो अब बना देंगे हम बना देंगे शूट स्पिलवे। मैंने ये देखो आपने क्या करा, आपने ये आपकी वैली थी, आपने यहां पे बना दिया डैम, मैंने बोला आपने यहां पे बना दिया डैम, आपने यहां पे बना दिया डैम। अब क्या हुआ कि इस डैम में पानी इंक्रीज कर रहा है, इस डैम में पानी इंक्रीज कर रहा है, पहले यहां पे पानी था इतना, मैंने लिए क्रॉस सेक्शन बताया आपको, मैंने देखो यहां पे पानी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मैंने हम क्या करेंगे इसके हाई फ्लड लेवल, ये रहा HFL बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं HFL। तो अगर ये हाई फ्लड लेवल से ऊपर पानी जाने को रोकना है तो इसी के पैरेलल जब आप यहां पे देखोगे तो यहां पर भी आपकी ये वैली ऐसी थी, ये सेम पूरा रिजर्वायर, पूरा पीछे जो है पूरा आपका रिजर्वायर एरिया है जहां पे पानी भरा होगा। तो मैंने कहा यहां पे हम क्या कर देंगे, यहां पे बना देंगे अपना शूट स्पिलवे, मैंने यहां पे बना देंगे शूट स्पिलवे, और इसके हाई फ्लड लेवल से नीचे लाइन दे देंगे उस शूट स्पिलवे की, उस शूट स्पिलवे की। इसका मतलब है जैसे जैसे पानी बढ़ते जाएगा तो ये तो पूरी जगह पानी बढ़ रहा होगा, पूरी जगह पानी बढ़ रहा होगा, तो जैसे जैसे पानी बढ़ते जाएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वाटर लेवल इस स्टेट में होगा, मैंने कहा वाटर लेवल इस स्टेट में होगा तो ये तो पीछे जो पूरा रिजर्वायर एरिया है या जो सबमर्ज एरिया है सब जगह पानी बढ़ रहा होगा, और यहां पर भी पानी बढ़ा, लेकिन जैसे ही यहां पे ये इस लेवल पे पानी आया आप रिलीज करना चाहते थे पानी, ये शूट स्पिलवे को क्रॉस कर गया, और शूट स्पिलवे को क्रॉस कर गया इसका मतलब ये कहां से पास हो जाएगा, मैंने बोला ये देखो ये यहां से पानी बाहर आ जाएगा। मैंने ये वॉल थी, आपको वॉल दिख रही है, ये वॉल दिख रही है आपको, ये वॉल के पीछे पानी इकट्ठा है, ठीक है? सिमिलरली इसके पास में यहां मान लो कि यहां पे जैसे मैं आपको बताता हूं ये वॉल है अलग से और यहां पे डैम है। अब इस डैम की तो हाइट ज्यादा है लेकिन इस शूट स्पिलवे की हाइट कम है, तो डैम की फुल हाइट तक जब तक पानी पहुंचेगा उसके पहले ही पानी यहां से बाहर आने लग जाएगा, और इसी को बोलते हैं आप शूट स्पिलवे। इज दिस क्लियर? तो शूट स्पिलवे आर जनरली प्रोवाइडेड फार फ्रॉम द डैम, डैम से फार थोड़ा सा दूर पे प्रोवाइड किया जाता है आपको, किसी भी टेरेन के लिए इसको बना सकते हो आप, किसी भी टेरेन के लिए बना सकते हो आप। शूट स्पिलवे को जनरली किसके लिए यूज किया जाता है? मैंने बोला ये शूट स्पिलवे जनरली यूज्ड फॉर किसके लिए जनरली इसको यूज किया जाता है? तो जनरली यूज्ड फॉर अर्दन डैम, जनरली किसके लिए यूज करते हैं हम लोग इसको? अर्दन डैम के लिए यूज करते हैं या रॉकफिल डैम के लिए यूज करते हैं, या रॉकफिल डैम के लिए यूज करते हैं, रॉकफिल डैम के लिए यूज करते हैं, ठीक है? तो आपने बोला जो शूट स्पिलवे है उसको जनरली यूज करते हैं अर्दन डैम के लिए या रॉकफिल डैम के लिए, ठीक है सर? सर एनवायरमेंट की क्लास कितने दिन तक ऑफलाइन अवेलेबल रहेगा? पूरा टाइम रहेगा अवेलेबल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनवायरमेंट जब तक है प्लेटफॉर्म पे तब तक रहेगा ही वो तो सेफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है, ये बात समझ में आया। तो आपने शूट स्पिलवे देख लिया, मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। ये देखो जरा यहाँ पे नेक्स्ट जो आपसे बात कर रहा हूँ इसको बोलते हैं साइफन स्पिलवे। मैंने देखो जरा यहाँ पे इसको बोलते हो आप साइफन स्पिलवे, इसको आप बोलते हो साइफन स्पिलवे, ये आपको फिगर बना हुआ दिख रहा है साइफन स्पिलवे। मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गेट एग्जामिनेशन में वो इस साइफन स्पिलवे से ही पूछा जाता है। मैंने जो आपसे गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है सेडल क्या होता है, फिर वही बात। मैंने ला कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं कुछ भी पूछ लेता हूं, आगे की कुछ भी बात कर देता हूं मैं कि एपरेंट क्या होता है, तो तुमको पता है? तो बेटा अभी जब उसका समय आएगा ना, ये आ गया सेडल, तो वेट करना है ना। बोला अर्दन डैम क्या होता है, अर्दन डैम नहीं पता, अर्दन डैम आर द डैम
which are constructed with the help of the core of the earthen dam is constructed with the help of black cotton soil, so it won't allow the water to pass through it. These are the earthen dam. Samajh mein aaya? These are the earthen dam. बहुत अच्छे से बताया हूँ ये बात. तो ग्रेविटी डैम जब बताना स्टार्ट कर रहा था तो उसके पहले अर्दन डैम ही बताया था कि कोर ऑफ द अर्दन डैम इज मेड फ्रॉम द ब्लैक कॉटन सॉइल बिकॉज द पोरोसिटी ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज गुड बट द परमेबिलिटी इज वेरी लेस सो इट वोंट अलाउ द वाटर टू पास थ्रू इट सो इट विल स्टॉप द वाटर जस्ट बिहाइंड इट. ठीक है, ठीक. चलिए आइए और बताते हैं. ठीक है, अल्केमिस्ट मीनिंग पता है तुमको? कोई बात नहीं, चलो आओ जरा बात कर रहे हैं. मतलब किसकी बात कर रहे हैं? साइफन स्पिलवे की बात कर रहे हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द साइफन स्पिलवे. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइफन स्पिलवे. व्हाट इज द साइफन स्पिलवे? तो मैंने बोला जो भी वाटर का जो ट्रांसफर हो रहा होगा ये अपस्ट्रीम है आपकी. मैंने ये है आपकी अपस्ट्रीम, मैंने लगा ये है आपकी अपस्ट्रीम और ये है आपकी डाउनस्ट्रीम. मैंने लगा ये है आपकी डाउनस्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में वाटर जाने के लिए हम लोग साइफन एक्शन का यूज करते हैं. सर साइफन एक्शन क्या होता है? मैंने बचपन में वो करे हो कि एक ग्लास में पानी डाल लिया और पाइप निकाल लिया और जो पेट्रोल निकाला होगा आपने अपनी दूसरी गाड़ी से, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए सक करा और दूसरी जो बॉटल है उसको नीचे रख दिया और उसमें पेट्रोल निकाल लिया. दैट इज साइफन एक्शन जो आपने जनरेट किया. ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई. मैंने अगर आपको ये बात समझ में आती है तो चलो आओ बात करना स्टार्ट करते हैं हम लोग साइफन स्पिलवे के बारे में. मैंने साइफन स्पिलवे आपको बना के दिखाता हूँ. मैंने देखो जरा यहाँ पे साइफन स्पिलवे आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको साइफन स्पिलवे को थोड़ा डेप्थ में बताता हूँ. कि यहां पे देखो जरा जो मैं आपको बता रहा हूं ये है आपका जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं साइफन स्पिलवे के बारे में बात करूंगा. मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं आपसे? साइफन स्पिलवे के बारे में बात कर रहा हूं. नाउ व्हाट इज दिस साइफन स्पिलवे? तो ध्यान से देखते जाना ये साइफन स्पिलवे को कैसे बता रहा हूं मैं आपको. ध्यान से देखते जाना. मैंने बोला ये आपका डैम है. मैंने ये देखो ये आपका डैम है, ये रहा आपका डैम, ये है आपका डैम. ठीक है, ये आपका डैम है. मैंने इस डैम के ऊपर आपने सेडल बना रखा है और ये देखो सेडल किसको बोल रहे हैं? ध्यान से देखना आप यहाँ पे सेडल किसको बोल रहे हो. मैंने ये जो स्ट्रक्चर आपने बना रखा है, टू टेक वाटर फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, ये बना रखा है आपने सेडल, इसको बोलते हैं सेडल. ठीक है, अब मैंने बोला ध्यान से देखना जरा यहाँ पे. अब देखना जरा यहाँ पे ध्यान से. मैंने ये कौन सी साइड है डैम की? ध्यान से देखो ये है आपकी अपस्ट्रीम साइड और मैंने बोला ये है आपकी डाउनस्ट्रीम साइड. मैं वाटर लेवल की बात कर लेता हूँ यहाँ पे. तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे अगर मैं आपसे वाटर लेवल की बात करता हूँ तो ध्यान से देखना ये है आपका वाटर लेवल, यहाँ पे. तो मैंने बोला जो आपकी डाउनस्ट्रीम है उसमें जो पानी रिलीज हो रहा है वो कहाँ पे रिलीज हो रहा है? अंडर दी वाटर सरफेस रिलीज हो रहा है. दो तरीके के डैम देखने को मिल सकते हैं आपसे साइफन स्पिलवे की. या तो आप अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम जब जा रहे हो तो आपका पानी या तो अंडर दिस सरफेस रिलीज हो, ये आपका डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल है आपका, ये आपका डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल है. तो आपका पानी कहां रिलीज हो रहा है? अंडर दिस सरफेस रिलीज हो रहा है, या हो सकता था ऊपर के लिए मैं अलग से बनाऊंगा आपके लिए. मैं आपसे. ठीक है, तो इसको बोलते हो आप हेड टाइप बोलते हो. ठीक है, इसको बोलते हो हेड टाइप. ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में है. ठीक है, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो मैंने बोला यहाँ पे देखना जरा, ये है डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल, ये है अपस्ट्रीम वाटर लेवल. मैंने ये अपस्ट्रीम वाटर लेवल धीरे धीरे ऊपर चढ़ता होगा. तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे मैं आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पे प्राइमिंग हेड बना देता हूँ. ध्यान से देखना प्राइमिंग हेड कैसे बना रहा हूँ. तो मैंने लगा ये देखो ध्यान से देखना यहाँ पे बात समझ में आ जाएगी. मैंने हम क्या करते हैं यहाँ पे एयर वेंट बना देते हैं. एयर वेंट मतलब यहाँ से एयर अंदर आ सकती है. और बाहर जा सकती है. अब देखना जरा यहाँ पे प्राइमिंग हेड बना रहा हूँ आप लोगों के लिए. तो प्राइमिंग हेड आपको कैसा दिखता है? जैसे जैसे ये आपका वाटर का लेवल इंक्रीज होते जाएगा, ध्यान से देखना यहाँ पे. मैंने जैसे जैसे आपका वाटर का लेवल इंक्रीज होते जाएगा अपस्ट्रीम पे, आपने इसको बोला यहाँ पे एक पाइप बना रखा है आपने यहाँ पे एक पाइप लगा रखा है. ये रहा वो पाइप जो कि यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर रहा है. ठीक है,
अब जैसे जैसे आपका वाटर लेवल इंक्रीज होता जाएगा, ध्यान से देखो, ये जैसे जैसे आपका वाटर लेवल इंक्रीज होते जाएगा, अब आपका क्या होगा कि इसके अंदर पहले एयर भरी होती है, इसके अंदर क्या होता है, एयर भरी होती है, इसको आप क्या बोलते हो, मैंने बोला इसको बोलते हो आप प्राइमिंग हेड, मतलब या तो आप डी प्राइमिंग हेड बोल दो, डी प्राइमिंग आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो आप इसको बोल दो डी प्राइमिंग हेड, इसको बोलते हो आप डी प्राइमिंग हेड। अब डी प्राइमिंग हेड का क्या मतलब है मैं बताता हूं, मैंने इस पाइप के अंदर अभी एयर भरी हुई है, कहीं से भी पानी कहीं पे भी नहीं जा रहा है, मैंने ये देखो जरा यहाँ पे कहीं से भी पानी कहीं पे भी नहीं जा रहा है, क्योंकि वाटर लेवल अभी इसी लेवल तक है, धीरे धीरे ये वाटर लेवल बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे ये वाटर लेवल बढ़ते जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जब इस जो आपका एयर वेंट है इससे ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगा ये पानी, तो जब ये ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगा तो पानी इसके अंदर जो जा रहा है वो एयर को यहां से पुश करेगा, और वो एयर क्या होगी, यहां से जाएगी और एयर यहां से रिलीज हो जाएगी, और जैसे ही एक बार एयर रिलीज हुई तो ये एयर सक्शन करके पानी को भी साथ में लेती हुई चली जाएगी, और फिर आपके पास पानी आने लग जाएगा यहां पे, फिर आपको डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, पानी आने लग जाएगा, जैसे कि आपने क्या किया था, जैसे कि आपने अपनी पेट्रोल टैंक से सक करके पानी आपने पेट्रोल को दूसरी बोतल में निकाला था, वही काम हुआ, यहां से एयर रिलीज हो गई है इसके अंदर जो थी, और अब यहां से पानी आने लग गया है जो कि आपको डाउनस्ट्रीम पे मिलने लग जाएगा, यही है आपका, अगर मैं बात करता हूं साइफन स्पिलवे इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इस स्टेप को जो बोला आपने, बोला प्राइमिंग, प्राइमिंग का मतलब होता है रिलीज ऑफ एयर फ्रॉम दिस सेडल पार्ट, रिलीज ऑफ एयर फ्रॉम दिस सेडल पार्ट, ठीक है सर। मैंने बोला सर इसमें और भी बात बताओ सर, इसके बारे में अभी तो मजा नहीं आया, मैंने चलो बताता हूं तुमको और भी बात बताता हूं, इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, मैंने बोला ये देखो डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल दिख रहा है आपको, मैंने इसके टॉप से जो आपको हेड दिख रहा होगा यहां तक, इसी को बोलते हो आप ऑपरेटिंग हेड, इसी को बोलते हो आप ऑपरेटिंग हेड, क्या बोलते हो आप इसको, ऑपरेटिंग हेड बोलते हो, जिसको कैपिटल एच से आप रिप्रेजेंट कर रहे होगे, मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे होगे, आप कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहे होगे, ठीक है सर। मैंने बोला और बात करते हैं, तो देखो जरा यहाँ पे हम बात करते हैं, जब भी आपसे कोई इसकी बात कर रहा होगा तो आप बोलोगे कि यहाँ पे सर ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको देखना चाहता हूँ मैं, कितना एरिया इसने ये कवर कर रखा है, तो मैंने बोला अच्छा ये देखना चाहते हो, मैंने बोला इसको देखो ये जो एरिया जहां से ये पानी आ रहा होगा उस एरिया को दिखाता हूं, तो आप बोलोगे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ पे एल क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मैंने कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो आपने बोला जिस क्रॉस सेक्शन से पानी पास होके आ रहा है उसको आपने क्या बोला, एल क्रॉस बी बोला, उसको आपने क्या बोला, एल क्रॉस बी बोला। तो ध्यान से देखते जाओ, ये जो टॉप पोर्शन जहां से पानी पास हुआ है उसको अगर क्रॉस सेक्शन दिखाया तो वो क्रॉस सेक्शन क्या है, एल क्रॉस बी क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और मैंने बोला यहां पे अगर आपसे बात करी जा रही है, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, प्राइमिंग किसका पार्ट है, प्राइमिंग प्रोसेस है, प्राइमिंग इज द प्रोसेस इन विच योर एयर दैट इज ऑलरेडी फिल्ड इन दिस हुड, हुड पोर्शन बोलते हैं इसको, हुड, एच डबल ओ डी, हुड, तो द एयर दैट इज प्रेजेंट इन दिस हुड गेट्स कम आउट फ्रॉम दिस एयर वेंट, है ना, और उसके बाद फिर पानी एंटर होना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमिंग प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमिंग, ठीक है सर। मैंने बोला ये बात यहां तक की बात समझ में आई है सब लोगों को, बोलो यस और नो। मैंने ये है इनलेट, यहां से आपका इनलेट होता होगा, वाटर अब धीरे से अंदर आना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यहां से अब इस छोटे पाइप पोर्शन से तो जा ही रहा था, जब एयर यहां से रिलीज हो गई तो अब यहां से सक्शन करना इसने स्टार्ट कर दिया, यहां से सक्शन करना स्टार्ट कर दिया, और आपको साइफन यहां पे आउटलेट मिलने लग गया, ये है आपका आउटलेट। यहां तक की बात समझ में आई है या नहीं आई है ये बताओ, प्राइमिंग समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर प्राइमिंग समझ में आया तो अब समझाता हूं डी प्राइमिंग, मतलब अगर आपको प्राइमिंग समझ में आया तो अब मैं आपको समझाता हूं डी प्राइमिंग, तो डी प्राइमिंग समझने के लिए तैयार हो जाओ। तो मैंने बोला देखो आज ये पानी क्या हो रहा है, वाटर का लेवल धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मतलब वाटर का लेवल धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो ये देखो वाटर लेवल कम हुआ है यहाँ पे, जब यहाँ पे वाटर लेवल कम हुआ तो यहाँ ठीक है वाटर लेवल कम हो गया, मैंने बोला और वाटर लेवल कम हो गया, वाटर लेवल और कम हो गया, मतलब और वाटर लेवल कम हो गया, जैसे जैसे वाटर लेवल कम होते जाएगा, अब आप देखोगे कि जब वाटर लेवल यहां से कम हो गया, जब वाटर लेवल यहां से कम हो गया तो अब क्या होगा, इसमें एयर चली जाएगी अंदर, मैंने इसमें क्या देखोगे आपकी, आपकी एयर चली जाएगी अंदर, इसके अंदर आपकी एयर चली जाएगी, और जब एयर आ गई है यहाँ पे तो मैंने बोला जैसे ही एयर एंटर करेगी आपका वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैंने आपका वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो अब ये वाटर लेवल ये है, तो यहां से एयर अंदर चली जाएगी इस हुड में,
और ये जो एयर वेंट था इसकी वजह से एयर कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और जब एयर यहाँ पे आ गई तो अब क्या हुआ, ये पानी रुक जाएगा एकदम से जाना, ये पानी रुक जाएगा क्योंकि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और पानी रुक जाएगा, और पानी अगर रुक गया तो फिर ये सक्शन बंद हो जाएगा और आपके डैम में से पानी उधर जाना बंद हो जाएगा। इसी को बोलते हो डी प्राइमिंग, इसी को बोलते हो डी प्राइमिंग। तो प्राइमिंग इज रिमूवल ऑफ एयर एंड स्टार्टिंग सक्शन फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम, और डी प्राइमिंग इज इंसर्टिंग ऑफ एयर, है ना, जो अब एयर आ जा रही है और इट इज नाउ नॉट अलाउिंग द वॉटर टू पास फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। समझ में आई ये बात, एयर प्राइमिंग और डी प्राइमिंग समझ में आया, प्राइमिंग और डी प्राइमिंग समझ में आया। सब कुछ कॉन्क्रीट का बना हुआ है, कुछ अलग से नहीं लगाते इसके ऊपर, सब कुछ कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये। मतलब ये थोड़ा सा हो सकता है कभी आपको मेटल स्ट्रक्चर देखने को मिले, ठीक है, ये हो सकता है कि कभी आपको मेटल स्ट्रक्चर देखने को मिले, ठीक है। ये बताइए, ये बात समझ में आई है, इज इस क्लियर, बताइए यस और नो। ठीक है, अगर क्लियर है तो मैं इसका एक और फॉर्मेट दिखाता हूं आपको, मैं इसका एक और फॉर्मेट दिखाता हूं आपको, ये फॉर्मेट आपको कैसा दिख रहा होगा, मतलब मैं एक और फॉर्मेट दिखाता हूं। ये तो आपने देखा कि वाटर लेवल का बढ़ना और कम होना देखा, मैंने इसको एक और तरीके से मैं आपको साइफन स्पिल वे बना के दिखाता हूं। तो ये देखो एक और तरीके से साइफन स्पिल वे, एक और तरीके से साइफन स्पिल वे, साइफन स्पिल वे एक और तरीके से। मैं आज बात करूंगा सबमर्ज्ड वाटर की, सबमर्ज्ड पाइप की बात करूंगा। तो देखना जरा यहां पे एक और तरीके से अगर मैं आपको दिखाता हूं, एक और तरीके से मैं आपको अगर दिखाता हूं तो मतलब यहां पे ध्यान से देखना, क्या बात कर रहा था मैं आपसे, हां सबमर्ज्ड साइफन स्पिल वे दिखाना है मेरे को आपको। ये लो, ये है आपका सबमर्ज्ड साइफन स्पिल वे, ध्यान से देखो, ये रहा आपका डैम, मतलब ये कौन है, ये आपका डैम है, मतलब इस डैम में, इस डैम में मैं अपना पाइप लगा देता हूं। मैंने ये देखो जरा यहाँ पे मैंने एक पाइप अरेंजमेंट कर दिया है, इस डैम में मैंने एक पाइप अरेंजमेंट कर दिया है, यहां से ध्यान से देखना, मतलब ये रहा आपका पाइप अरेंजमेंट, मतलब ये रहा आपका पाइप अरेंजमेंट, ये रहा आपका पाइप अरेंजमेंट इस डैम के अंदर, ये रहा आपका पाइप अरेंजमेंट। और अगर आपने इस पाइप अरेंजमेंट की बात कर दी तो मैंने बोला आज जो वाटर है वो मान लेते हैं यहां तक भरा हुआ है, ये नॉर्मल पूल लेवल, मतलब जब इस लेवल को क्रॉस करेगा एनपीएल, जब नॉर्मल पूल लेवल, जब इस लेवल को, इस पाइप के टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा तभी वाटर यहां से फ्लो होना स्टार्ट करेगा, तभी वाटर आपके इस पाइप से अंदर जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है, पहली बात, क्योंकि इस नेगेटिव प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में आई, मतलब अगर आपको ये बात समझ में आई तो वहां पर आप क्या देख रहे थे, इस केस में आप क्या देख रहे थे, ये जो आपका आउटलेट था ये सबमर्ज्ड केस में था, मैंने लगा ये किस में था, सबमर्ज्ड था, लेकिन यहां पे जो आपका आउटलेट है, मैंने यहां पे जो आपका आउटलेट है वो ओपन टू ओपन है, ठीक है, वो ओपन है, वो सबमर्ज्ड नहीं है, ठीक है, वो सबमर्ज्ड नहीं है। और जब वो सबमर्ज्ड नहीं है तो मैंने बोला यहां पे आपको जो वाटर लेवल दिख रहा होगा, मैंने कुछ भी मान लेता हूं ये है अगर आपका वाटर लेवल, तो ये दिखा दिया मैंने आपको डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल, तो आपको ये जो वाटर लेवल दिख रहा होगा वो ऐसा दिख रहा होगा, ये जो वाटर लेवल दिख रहा होगा वो आपको ऐसा दिख रहा होगा डैम के अंदर भी। मैंने बोला ये ओपन है, अभी देखो ये यहां पे अगर मैं इसके सेंटर की बात करता हूं तो ये रहा इसका सेंटर, मैंने लगा ये रहा इसका सेंटर, जो आपको पाइप का सेंटर देखने को मिल रहा है वो ये रहा। मैंने लगा अगर कोई इसके ऑपरेटिंग हेड की बात करेगा तो किस हेड पे ये ऑपरेट होता है, तो मैंने लगा ये है इसका ऑपरेटिंग हेड, मैंने इसको आप क्या बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो आप इसका ऑपरेटिंग हेड, ठीक है सर, ऑपरेटिंग हेड भी समझ में आ गया। मैंने अगर आपको ऑपरेटिंग हेड समझ में आ गया तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जैसे ही वाटर यहां तक इंक्रीज हुआ आपका पानी इसमें से जाना स्टार्ट हो गया। और क्या आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि ऐसा आपका जो डैम के अंदर से पानी एकदम हवा में उछलता हुआ दिखता है आपको, दैट इज योर साइफन स्पिल वे। जैसे ही वहां पे पीछे अपस्ट्रीम पे वाटर ज्यादा हो जाता है, जैसे ही अपस्ट्रीम पे वाटर ज्यादा हो जाता है तो यहां से जो पानी निकल रहा होगा, मैंने यहां से जो वाटर निकल रहा होगा वो ऐसा ऐसा जाता हुआ दिख रहा होगा आपको, ऐसा जाता हुआ दिख रहा होगा, देखे हो ना ऐसा, ऐसे वीडियोस देखे होगे आप डैम में से पानी ऐसा निकल रहा है, देखे होगे ना ऐसा वीडियो, ऐसे देखे होगे कि पानी निकल रहा है आपका, हवा में जा रहा है पानी। तो यही है वो तरीका, इस तरीके से आपको साइफन स्पिलवे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हुई बात, मैंने बोला ये हुई बात, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ये तो आपने देख लिया, ठीक है सर। मैंने अगर आपने इसको देख लिया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एच बोलते हैं, मैंने बोला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैंने इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एच, ऑपरेटिंग हेड कैपिटल एच बोलते हैं, ठीक है सर। ये बात भी हमारे समझ में आ गई, मैंने अगर ये समझ में आ गई तो कई बार इसको वॉल्यूट बोलते हैं, वॉल्यूट बोलते हो आप इसको, वॉल्यूट बोलते हो,
कई बार आप इसको टिल्टेड पाइप बोलते हो, कई बार आप इसको टिल्टेड पाइप साइफन साइफन बोलते हो, ठीक है, टिल्टेड पाइप बोलते हो, ठीक है सर। मैंने ला, अब देखो जरा यहाँ पे मैंने अगर आपको साइफन सिखा दिया, अगर मैंने आपको साइफन सिखा दिया, साइफन सिखा दिया, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इससे जो आपका साइफन स्पिलवे है इससे डिस्चार्ज निकालो कि यहाँ से डिस्चार्ज कितना बाहर आ रहा होगा, इससे डिस्चार्ज निकालो कि आपका डिस्चार्ज कितना बाहर आ रहा होगा। तो मैंने देखो यहाँ पे अगर डिस्चार्ज निकालने की कोई भी बात करता है, अगर यहाँ पे आपसे कोई भी डिस्चार्ज निकालने की बात करता है, तो हम डिस्चार्ज को बोलते हैं क्यू। मैंने हम डिस्चार्ज को बोलते हैं क्यू, दैट क्यू इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय ए अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू कैपिटल एच के बराबर। ध्यान से देखो मैंने आपको क्या बोला, इसको बोलते हो आप सी मल्टीप्लाइड बाय ए अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू रूट एच के बराबर। मैंने यहाँ पे सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सी आपके कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैंने ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये बता दीजिए। मैंने ये ए जो रिप्रेजेंट करता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका। मैंने ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, या तो आप इस पाइप के लिए बोल दो यहाँ पे, ये देखो ये जो वापस से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल क्रॉस बी दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये बोला मैंने आपसे। या आप यहां पर भी देखते हैं तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने आपको अलग से बना के बताया था एल क्रॉस बी, उसके जैसा दिख रहा था, उसके जैसा दिख रहा था, ठीक है। चलो आओ बात करते हैं, और बात करते हैं, चलो आओ और बात करते हैं, चलो आओ और बात करते हैं। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे अब मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। मैंने चलो आओ बात करते हैं, चलो आओ बात करते हैं कि अब कुछ और बातें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। पता है क्या, चलो बात करें, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला यहाँ पे डिस्चार्ज की बात कर रहा था मैं आपसे, मैंने डिस्चार्ज की बात कर रहा था मैं आपसे, डिस्चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू ए अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। मैंने आपको सी बता दिया, मैंने आपको ए बता दिया, 2 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, आप बात करते हैं कैपिटल एच के बारे में। मैंने ये जो कैपिटल एच है इसको आप ऑपरेटिंग हेड बोलते हो, मैंने बोला इस कैपिटल एच को आप क्या बोलते हो, ऑपरेटिंग हेड बोलते हो, इस कैपिटल एच को आप क्या बोलते हो, ऑपरेटिंग हेड बोलते हो, ठीक है, कैपिटल एच को आप ऑपरेटिंग हेड बोलते हो। अब देखना ये ऑपरेटिंग हेड कैसे वर्क करता है, मतलब ये ऑपरेटिंग हेड होता क्या है वो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। तो मैंने बोला ये ऑपरेटिंग हेड दो अलग अलग तरीके से काम करता है। जब आप इस सेडल टाइप को देखने वाले हो, जब इस सेडल टाइप के साइफन को देखने वाले हो, तो आप बोलते हो कि जो भी आपका डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल होता है, जो भी आपका डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल होता है, या आप इसको टेल वाटर लेवल भी बोलते हो, मतलब आप इसको टेल वाटर लेवल भी बोलते हो, टेल वाटर लेवल भी बोलते हो। तो देखना जरा यहाँ पे, अगर कोई आपसे बात करेगा कि यहाँ पे कैपिटल एच क्या होगा, तो आप बोलोगे इट इज इक्वल टू जो भी आपका रिजर्वायर लेवल होगा, जो भी आपका रिजर्वायर लेवल होगा, जो भी आपका रिजर्वायर लेवल होगा, रिजर्वायर लेवल मतलब ये टॉप पे जहां तक पानी आया, ये रिजर्वायर लेवल होगा, और इसका और डिफरेंस होता है टेल वाटर का, टेल वाटर लेवल का। तो रिजर्वायर लेवल माइनस, रिजर्वायर लेवल माइनस टेल वाटर लेवल, रिजर्वायर लेवल माइनस टेल वाटर लेवल, ये आपसे बात कर रहा होगा किसके बारे में, कैपिटल एच के बारे में बात कर रहा होगा, मतलब ये बात करता है आपसे कैपिटल एच के बारे में। तो रिजर्वायर लेवल माइनस टेल वाटर लेवल आपको कैपिटल एच दे देता है जब आप इसकी बात करते हो, जब आप इस डी प्राइमिंग हेड की बात करते हो या हेड की बात करते हो, ठीक है, ये बात हुई हमारी। तो मैंने बोला कैपिटल एच सीख लिया, अब मैंने बोला यहां पर कैपिटल एच सीखते हैं, मैंने बोला यहां पर कैपिटल एच सीखते हैं। तो यहां पर जब सॉरी यहां पर मैंने आपके लिए कैपिटल एच गलत बना दिया, मैंने ऑपरेटिंग हेड यहां पर देखो जरा यहां पर, ये ऑपरेटिंग हेड यहां तक बनता है आपका सेंटर से, इसके सेंटर से, सॉरी इसके सेंटर से बनता है, ये रहा आपका ऑपरेटिंग हेड यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसको बोलते हैं आप ऑपरेटिंग हेड, ऑपरेटिंग हेड, ठीक है। तो मैंने बोला यहां से सेंटर तक बनता है, पाइप के सेंटर तक बनता है अगर इट इज ओपन टू अर्थ है। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे कोई अगर आपसे ऑपरेटिंग हेड कैपिटल एच की बात करेगा, तो आप बोलोगे इट इज इक्वल टू रिजर्वायर लेवल, इट इज इक्वल टू रिजर्वायर लेवल, रिजर्वायर लेवल तक की बात करेंगे, तो रिजर्वायर लेवल ये है आपका, रिजर्वायर लेवल ये है आपका, और यहां से अगर हम यहां तक की बात करेंगे तो ये सेंटर है आपका काय का, पाइप का। तो अगर ये पाइप का सेंटर है, या आप बोलोगे कि सेंटर ऑफ आउटलेट बोलोगे, तो ये आपका आउटलेट है, और इस आउटलेट का सेंटर ये है अगर, तो आप बोलोगे इट इज इक्वल टू रिजर्वायर लेवल माइनस सेंटर ऑफ आउटलेट, माइनस सेंटर ऑफ आउटलेट तक का लेवल, सेंटर ऑफ आउटलेट। तो यहां तो देख लो यहां से कितना दूरी पे आपका सेंटर ऑफ आउटलेट ऊपर से रिजर्वायर लेवल से, तो वो आपसे बात कर रहा होगा कैपिटल एच के बारे में।
वो आपसे बात कर रहा होगा कैपिटल एच के बारे में। तो अब आप समझ गए कि कभी भी आपसे डिस्चार्ज पूछेगा साइफन हेडवे में, तो आप बोलोगे इट इज इक्वल टू सी इंटू ए अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच, और ये एच किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, टाइप ऑफ साइफन हेडवे, टाइप ऑफ साइफन स्पिलवे के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ या ना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ या ना। क्या बोल रहे हो? इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई है तो मेरे को पता है कि आपको एक बार में चीज समझ में नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको फट से एकदम ऐसा क्लिक होगा कि देखना, गजब सा क्लिक होगा आपको। एक क्वेश्चन बताऊंगा, क्लिक हो जाएगा एकदम से। बोलो ये बात समझ में आई है सब लोगों को? डिजाइन हेड पर नहीं बेटा, जो हेड हमने डिजाइन किया है वो इसीलिए, ये पाइप को हमने ऐसे डिजाइन किया है कि जो भी आपका नॉर्मल पूल लेवल है उसको जैसे ही क्रॉस करेगा अपने आप पानी यहां से बाहर आने लग जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ यस, ये जो आपका स्पिलवे ऑब्वियसली सर्कुलर रहेगा, पाइप शेप होता है ये, तो सर्कुलर रहता है। इसके सेंटर से बात करते हैं, जो भी हम ऑपरेटिंग हेड की बात करते हैं, इसके सेंटर से बात करते हैं। ठीक है, अगर ये सारी बात क्लियर है तो ये लो एक क्वेश्चन और इससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये लो एक क्वेश्चन और इससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये लो, सेडल साइफन स्पिलवे एज द फॉलोइंग डिटेल, हैज द होना चाहिए, हैज द फॉलोइंग डिटेल। टफ इन कंस्ट्रक्शन नहीं पड़ता है? नहीं, टफ इन कंस्ट्रक्शन नहीं पड़ता है। ये देखो, यहां से आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी, जो भी आपके दिमाग में चल रही है बातें वो यहां से सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पर, देखना जरा यहां पर, यह सेडल साइफन स्पिलवे की बात हो रही है। इसका मतलब वो ये किसकी बात हो रही है? केस नंबर वन की बात हो रही है। मैंने ये किसकी बात हो रही है? केस नंबर वन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है आपसे? सेडल साइफन स्पिलवे मतलब केस नंबर वन की बात हो रही है। तो अगर मैंने आपसे बात करी एफआरएल के बारे में, अगर मैंने आपसे बात करी एफआरएल के बारे में, तो इसको बोलते हैं फुल रिजर्वायर लेवल, फुल रिजर्वायर लेवल, फुल रिजर्वायर लेवल। इसको एचएफएल बोला तो आपने इसको बोला एचएफएल। किसके बारे में बात कर रहा होगा आपसे? मैंने एचएफएल किसके बारे में बात कर रहा होगा आपसे? बेटा ये तो आपके उस पर डिपेंडेंट है ना, एसएसए। सर साइफन का इनर हेड कितनी हाइट पे रहता है? तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कि आप डैम का हाइट किस हिसाब से कंस्ट्रक्ट करने वाले हो। तो डैम का नॉर्मल पूल लेवल आप कितना रखने वाले हो वो डिपेंडेंट रहता है कि आपने डैम किस कैपेसिटी के लिए डिजाइन किया था। तो देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू देगा वो, कि यहाँ पे हाई फ्लड लेवल वैल्यू दे दी उसने, एचएफएल वैल्यू दे दी आपको, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो देखो जरा यहाँ पे, ये है आपका हाई फ्लड लेवल वैल्यू, तो इससे आपको पता चल जाएगा। हाई फ्लड लेवल वैल्यू दे दी आपको, हाई फ्लड लेवल वैल्यू आ गई। सिमिलरली एचएफक्यू की बात करी तो इसको बोलते हैं हम लोग हाई फ्लड डिस्चार्ज, इसको बोलते हैं हम लोग हाई फ्लड डिस्चार्ज, हाई फ्लड डिस्चार्ज। मतलब अगर ये भी आपको समझ में आ गया तो देखो जरा यहाँ पे, लेवल ऑफ सेंटर ऑफ साइफन आउटलेट इज इक्वल टू 429 मीटर। ठीक है, तो ये आपको बता दिया यहाँ पे कि आपको यहाँ पे बता दिया जो सेडल साइफन स्पिलवे में लेवल ऑफ सेंटर कितना दे दिया, 429 मीटर। तो आपको 429 मीटर से बात करनी है। ठीक है, मैंने देखो जरा यहाँ पे L दे दिया 4 मीटर, B दे दिया 2 मीटर, L क्रॉस B भी दे दिया। डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइफन यूनिट्स रिक्वायर्ड इफ साइफन डिस्चार्ज फ्रीली एट डाउनस्ट्रीम एंड। ठीक है, साइफन क्या हो रहा है अब आपको नंबर ऑफ साइफन बताने कि कितने साइफन आप लगाओगे। ठीक है, सबमर्ज्ड केस में नहीं, ये सबमर्ज्ड केस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इसने बोल दिया देखो लेवल ऑफ सेंटर ऑफ साइफन आउटलेट, तो इसने पहले ही बता दिया, इसने पहले ही बता दिया। चलिए आइए तो बात करते हैं। मैंने यहाँ पे सी का अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है आपको, तो जो कोफिशियंट सी की जनरल वैल्यू आप कंसिडर करोगे 0.65 कंसिडर करोगे। कोफिशियंट सी की जो जनरल वैल्यू कंसिडर करोगे आप 0.65 कंसिडर करोगे। ठीक है, ठीक। अगर ये नहीं दिया होता लेवल ऑफ सेंटर ऑफ साइफन आउटलेट, तो आप क्या करते, जो भी आपका डाउन स्ट्रीम टेल वाटर लेवल होता वहां तक की बात करते, जो भी आपका टेल वाटर लेवल होता वहां तक की बात करते। मैं आपको बताऊं, मैं करके बताता हूं, देखो एक ही बार में आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं एक ही बार में आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये देखो जरा यहां पे, मैंने देखो सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। मैंने बोला फुल हाई फ्लड लेवल कितना दे रखा, मैं सबसे पहले कैपिटल एच कैलकुलेट करता हूं। मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट करता हूं, कैपिटल एच कैलकुलेट करता हूं। तो कैपिटल एच हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखते रहना, मैं सबसे पहले यहां पर कैपिटल एच कैलकुलेट करता हूं।
कैपिटल एच ई सी और ऑपरेटिंग हेड पता करना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग हेड पता करना चाह रहा हूं। तो कैपिटल एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जो भी आपका हाई फ्लड लेवल है, ये है आपका हाई फ्लड लेवल, तो हाई फ्लड लेवल इज 435.85 माइनस सेंटर ऑफ आउटलेट जो कि ये रहा 429, तो माइनस 429 मीटर। कितना वैल्यू आया ये बताएंगे मेरे को जरा, 435 ये वैल्यू कितना आ रहा है, कितना वैल्यू आ रही है, एच इज इक्वल टू 6.85। वेरी गुड, तो एच का वैल्यू आ गया आपके पास 6.85 मीटर। मैंने बोला अगर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्यू की बात कर रहा है तो क्यू होता है सी, सी की वैल्यू 0.65 मल्टीप्लाइड बाय ए, यहां से एरिया की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, एल क्रॉस बी होता है आपका एरिया, तो एल क्रॉस बी, और एल क्रॉस बी अगर हमने करा तो दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 टू जा 8, 8 हो गया यहां पर, तो मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू कैपिटल एच, कैपिटल एच की वैल्यू 6.85, बस आंसर आ जाएगा। यहां से डिस्चार्ज की वैल्यू निकाल लो, क्यू की क्या वैल्यू आती है, इतना इजी क्वेश्चन आता है। किसी को, लोगों को लगता है कि ये बड़े बड़े डायग्राम्स की बात चल रही है, ये बड़ी बड़ी बातें चल रही है, लेकिन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन आपसे, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कितना वैल्यू आ रहा है बताओ डिस्चार्ज, यहां से डिस्चार्ज का वैल्यू बताओ, जी का वैल्यू 9.81 रख देना, जी का वैल्यू 9.81 रख देना, ये जो जी है इसकी वैल्यू 9.81 रख दो और बताओ डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इनटू 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 6.85, कितना वैल्यू आ रहा है जल्दी से आंसर बताएंगे, 453 नहीं ये नहीं आ रहा होगा, आंसर कितना आ रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है जल्दी से बताइए, 60.28, बहुत बढ़िया। तो अंकित ने बोला, ये मोहित ने बोला 60.28 आ रहा है, 60.28 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 60.28 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब ये जो बात हुई है आपसे, ये जो आपने डिस्चार्ज निकाला है, मतलब ये जो आपने डिस्चार्ज निकाला है वो किसके लिए निकाला है, आपने सिर्फ एक सेडल साइफन स्पिलवे के लिए निकाला है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी, एक साइफन कितना निकाल रहा है पानी, 60.28। मतलब इसमें फ्लड की बात करते हैं, अगर हम मतलब फ्लड की बात करते हैं तो देखो हाई फ्लड डिस्चार्ज जो दिया था कितना दिया था, 600 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अगर आपसे नंबर ऑफ स्पिलवे पूछा गया है, अगर आपसे नंबर ऑफ स्पिलवे पूछा गया है तो आप यहां से निकाल देंगे, नंबर ऑफ स्पिलवे इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 60.28, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितने स्पिलवे चाहिए, तो 60.28 डिवाइडेड बाय 600 विल गिव यू आंसर, और ये वैल्यू आ रही होगी 10 के बराबर, तो 10 स्पिलवे चाहिए थे आपको, तो करेक्ट आंसर था आपका 10 यूनिट्स, ठीक है। और ये गेट में आने के लिए सबसे एलिजिबल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन के लिए, देखो जरा यहाँ पे आंसर इन आंसर अप्रोक्सीमेट टू इंटीजर, तो यहां से फटाक से आपका आंसर 10 आएगा और 10 मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। शशांक शेखर, मैं तुम लोग तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कि तुमने ना शायद ऐसा हुआ है, तुमने ना ऐसा हुआ है कि तुमने पुरानी क्लासेस नहीं देखी, डैम की फर्स्ट क्लास देखोगे तो हाई फ्लड लेवल आपको समझ में आ जाएगा, नॉर्मल पूल लेवल समझ में आ जाएगा, मिनिमम पूल लेवल समझ में आ जाएगा, ठीक है, फुल रिजर्वायर लेवल समझ में आ जाएगा, रिजर्वायर फुल रिजर्वायर लेवल का क्या मीनिंग है तो ये आपको समझ में आ जाएगा, फुल रिजर्वायर लेवल बता रहा है नॉर्मल पूल लेवल को, आपको उसके ऊपर जितना भी पानी जा रहा है वो हाई फ्लड लेवल है, तो जितना भी और ऊपर पानी जा रहा है उसको पूरे को निकालना है हमको, तो वो बात करी हमने, ठीक है। तो यहां से आंसर आ जाएगा 10, आपका जो 10 यूनिट्स आप आंसर अप्रोक्सीमेट टू नियरेस्ट इंटीजर, इज दिस क्लियर, यहां तक की पूरी बात क्लियर हुई है सब लोगों को, बोलिए यस और नो, क्या यहां तक की सारी बात क्लियर हुई है, जो भी हम लोगों ने बात करी है यहां पे सेडल साइफन स्पिलवे के बारे में, मतलब इतनी सारी बात आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि यही थी बातें स्पिलवे के बारे में जो आपको पता होना चाहिए थी, ठीक है, यही थी बातें स्पिलवे के बारे में जो आपको पता होना चाहिए थी। मतलब कल आपकी जो क्लास लगेगी वो मॉर्निंग में लगेगी, जिसमें हम लोग एनर्जी डेसिपेशन देखेंगे, जिसमें हम लोग एनर्जी डेसिपेशन देखेंगे, एंड आई एम टेलिंग यू कि बहुत गजब तरीके से देखेंगे एनर्जी डेसिपेशन, ठीक है। उसके बाद डाइवर्जन हेडवर्क्स देखेंगे, उसके बाद कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स देखेंगे, और उसके बाद सीडी वर्क्स देखेंगे, बस यही 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं आपके, ठीक है। कल 10 बजे इरिगेशन की क्लास होगी क्या? हाँ बिल्कुल होगी, है ना, मैं आपको एक बार और शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जो भी टाइम है 10, एक सेकेंड बता देता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड बता देता हूँ आपको क्या टाइम है, कल मॉर्निंग जो आपकी क्लास होगी
give me a second please. क्रिटिकल 11 है ना, ठीक है. आज 11 है, कल 12 है. 12 का एक ही सेशन दिख रहा है, ठीक है. कल सुबह 10 बजे लेंगे क्लास, ठीक है. कल सुबह 10 बजे लेंगे क्लास, डोंट वरी. कल सुबह 10 मैक्सिमम रखेंगे तो 11 रखेंगे. 11 से 2 पढ़ लेंगे, 11 से 1 पढ़ेंगे, फिर 3 से 4 पढ़ेंगे, ठीक है. तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं. थैंक यू सो मच गाइस एंड आई लव यू. नहीं, परसों है लास्ट, कल लास्ट क्लास है. नहीं, संडे को लास्ट क्लास है, संडे को लास्ट क्लास है, ठीक है. संडे को लास्ट क्लास होगा आपका, ठीक है. तो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स को एक बार देखेंगे, ठीक है. ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से. अभी मिलूंगा मैं आप लोगों से 5 बजे एक सेशन रखने वाला हूं मैं, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कि जो भी आप लोगों ने अभी देखा होगा, आपने सेशन का नाम देखा होगा, जो भी हम लोग बात करने वाले. सेशन मिस हो गया, नाम मिस हो गया, ठीक है. हाँ, तो सिलेबस भी कंप्लीटेड. अभी 5 बजे एक सेशन है आप लोगों के साथ मेरा, सिलेबस भी कंप्लीटेड. सिलेबस कब आपका, कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा आपसे. तो एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आपने कब कब पढ़ लिया और कितने दिन में आपको फिनिश कर लेना है. तो अगर आप चाहते हो कि इस सेंस में आप मेरे से बात करो, तो आप मेरे से 5 बजे इसी चैनल पे आप बात कर सकते हो, ठीक है. टिल देन बाय, ठीक है.